हेलो गाइस, आम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। सो गाइस, आज की वीडियो है हमारे स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो जे नेल एक्सटेंशन कैसे करते हैं, सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए फर्स्ट क्लास रहेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके लिए प्रोडक्ट क्या क्या यूज़ होंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक नेल कटर, जो कि हमेशा हर किसी के पास होता है, साथ में एसीटोन फ्री और कुछ लेंस, और साथ साथ जो है हमारा क्यूटिकल पुशर। इसके अलावा हमारा एमरी बोर्ड, इसे हम एमरी बोर्ड बोलते हैं, और ये है हमारी नेल टिप्स जो कि फाइलिंग के लिए काफ़ी काम आती है, ब्लॉब ऑफ़ फर, साथ में पूफी ब्रश, और ये हमारी जो है नेल ग्लू, जिससे कि हम अपनी टिप को चिपकाएंगे। और साथ साथ जो है हमारी ये जो ग्लू है, इतनी प्रोफेशनल ग्लू है कि बहुत अच्छे से टिप को एक महीने तक के लिए चिपका के रखती है। साथ में हम यूज़ करेंगे हमारा टिप क्लिपर, ये जेल ब्रश, ये स्ट्रेंथनिंग पाउडर जेल, और ये हमारा यूवी टॉप कोट। और लास्ट में हम जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम क्यूटिकल ऑयल। तो ये हमारी केयर के लिए होता है गाइज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो इसके बिना कभी भी हमारे क्लाइंट का वर्क, हमारे नेल एक्सटेंशन का स्टेप कंप्लीट नहीं होता है। और लास्ट में हमारा जो है हमारा LED, तो ये हमारा 48 वॉट का LED है। तो चलिए आइए स्टार्ट करें अब एक्सटेंशन। सो गाइज, हम सबसे पहले क्यूटिकल पुशर की हेल्प से हमारे क्यूटिकल एरिया को इस तरीके से अच्छे से पुश करेंगे, और इसके बाद जो है मैं अब पूरे के पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ कर रही हूँ, मींस ड्राई कर रही हूँ अच्छे से। इसे जो है नेचुरल नेल को हमें ब्लॉब ऑफ करना है, ड्राई कर लेना है, ताकि इसके ऊपर हमारी कोई भी चीज़ हम चिपकाएँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करे। डस्ट को क्लीन करने के बाद हम ग्लू की हेल्प से हमारी ये जो टिप है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका नंबर हम ऊपर फ्री एज एरिया पे दिखा होता है, ये नंबर वाली और लॉक वाली टिप्स होती हैं, तो ये टिप को हम अप्लाई करेंगे लॉकिंग एरिया पर। हम ग्लू अप्लाई करेंगे, और ग्लू अप्लाई करने के बाद लॉकिंग एरिया पे हम अपने नाचो नेल के ऊपर इसे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। टिप को गाइज हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि हमारे क्लाइंट का जो नेल है वो कर्व नेल है नेचुरल, और हमारे पास जो टिप है वो कर्व टिप नहीं है, स्ट्रेट टिप है। तो इसे हम जब होल्ड करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अपने आप ही वो अपनी कर्व की पोजीशन में जाकर चिपक जाती है। एक्स्ट्रा ग्लू को जो है मैंने टिश्यू से क्लीन कर दिया है, और साइड्स नीट कर दी हैं, ग्लू से नीट कर दिया है, और अब हम जो है इसे चेक करेंगे कि बिल्कुल सीधा लगा है या नहीं। तो हमारा जो नेल है बिल्कुल स्ट्रेट लगा है, और अब हम जो है इसकी लेंथ को कट करेंगे हमारे टिप क्लिपर की हेल्प से इस तरीके से। तो जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही कट करेंगे, ताकि इसके बाद हमें शेप क्रिएट करने में मुश्किल ना हो। और अब जो है मैं एम्ब्री बोर्ड से ब्लेंडिंग लाइन कर रही हूँ, हमारे जो टिप है वो हमारे नेचुरल नेल में ब्लेंड करेंगे, हम उसमें मर्ज करेंगे, साइड्स नीट करेंगे, और जो भी हमें शेप करनी है वो भी हम अभी ही कर लेंगे। तो साइड्स नीट और ब्लेंडिंग लाइन क्लीन करने के बाद एम्ब्री बोर्ड से हम जैसे कि आज शेप बनाने वाले हैं कॉफिन शेप, तो साइड्स को प्रॉपरली नीट करने के बाद ही हमारी कॉफिन शेप बनती है गाइस। पहले कॉफिन शेप कभी भी बनाने की कोशिश मत करना हमेशा, जब तक आपकी ब्लेंडिंग लाइन या साइड्स ना हो जाए तब तक आप अपनी कॉफिन शेप को आपको प्रॉपरली रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम जो है अब कॉफिन शेप क्रिएट कर रहे हैं हमारी एम्ब्री बोर्ड के साथ। सो गाइज, हमारी जो शेप है वो नीट हो चुकी है, और हमारा नेल बिल्कुल रेडी है प्रोडक्ट एप्लीकेशन के लिए। बट उससे पहले जो है हम ब्लॉब ऑफर की हेल्प से इस तरीके से पूरे के पूरे नेल को दोबारा से ब्लॉब ऑफ करेंगे, इंक्लूडिंग नेचुरल नेल और इंक्लूडिंग हमारी टिप का एरिया। तो पूरे नेल को आपने अच्छे से ब्लॉब ऑफ करना है, चाहे आपको 10 बार क्यों ना ब्लॉब ऑफ करना पड़े, बट मेक श्योर कि उसमें कोई शाइन ना रहे। तो अच्छे से हम हमारी टिप को ब्लॉब ऑफ कर लेंगे, और इसे ब्लॉब ऑफ करने के बाद हम जो नेचुरल नेल का हमारा एरिया है वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लिक्विड डिहाइड्रेटर। सो लिक्विड डिहाइड्रेटर अप्लाई करने के बाद अब मैं यूज़ करने वाली हूँ हमारा जेल। बिल्कुल पतला पतला करके जेल अप्लाई करेंगे विद स्ट्रेंथनिंग पाउडर हमारे जेल ब्रश की हेल्प के साथ। तो इस तरीके से हम अपने जो है पूरे के पूरे नेल को कवर अप करेंगे, बिल्कुल पतला पतला जेल लगाएंगे एज एन बेस, जिसे कि हम बेस कोटिंग कहते हैं, और सभी नेल्स पर इसे हम एक साथ लगा के हम इसे क्योर करवा देंगे।
सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी कोट है वो बिल्कुल ही थिन लगी है, बिल्कुल पतली है। और इसे क्योर करवाने के बाद अब हम जो है सेम जेल और सेम स्ट्रेंथनिंग पाउडर के साथ हम जो है बिल्डर अप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो थोड़ा जेल जो है यहाँ पर हम थिक करके ही अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे करके जो है हम पूरे के पूरे नेल के ऊपर इक्वली बैलेंस बनाकर हमारे जेल को एप्लीकेशन कर देंगे। तो सभी नेल्स पर हम इस स्टेप को भी एक साथ ही कर लेंगे और इसे भी बिल्डर एप्लीकेशन करने के बाद, फर्स्ट बिल्डर, इसे भी हम क्योर करवा देंगे। और क्योर करवाने के बाद हम सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे जिसे कि हम बोलते हैं सेकेंड बिल्डर। तो पहले हमने बेस दिया, फर्स्ट बिल्डर दिया और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ सेकेंड बिल्डर। तो सेम इसी तरीके से थिक थिक करके अप्लाई करेंगे सभी नेल्स के ऊपर विथ स्ट्रेंथनिंग पाउडर, और इसे भी अप्लाई करने के बाद हम क्योर करवा देंगे। सो सेकेंड बिल्डर भी हमारा क्योर हो चुका है एप्लीकेशन के बाद, और इसे भी क्योर करवाने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ हमारा एसीटोन फ्री पम्प की हेल्प से लेंगे लेंट के ऊपर और पूरे के पूरे नेल को हम इसे वाइप कर देंगे एसीटोन फ्री के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो नेल है उसकी शाइन बिल्कुल ही गायब हो गई है, बट हमारी स्किन जो है बिल्कुल भी वाइट नहीं हुई है। तो ये जो है हमारी एसीटोन फ्री की पहचान होती है जिससे कि हमारी नेचुरल नेल या क्यूटिकल ईयरिंग या हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल भी हार्म नहीं होती है। तो इस तरीके से हम एसीटोन फ्री के साथ पूरे के पूरे नेल को अच्छे से जेल वाइप करने के बाद, उसकी चिपचिपाहट को ख़त्म करने के बाद, अब हम यूज़ करने वाले हैं एमरी बोर्ड अगेन। तो इससे हम साइड्स अगेन नीट करेंगे, पूरे के पूरे नेल को हम बफिंग करेंगे, क्यूटिकल एरिया को नीट करेंगे, एक बार शेप को भी हम दोबारा से क्रिएट कर लेंगे क्योंकि हमारा जेल जो है काफ़ी डंस एंड बम्स क्रिएट करता है, फ्लेक्सिबल है। तो पूरा का पूरा इसका जो लेवल है हमने एकदम नेचुरल शेप में दे देना है, लेवल इक्वल कर देना है पूरे के पूरे नेल का। और इसके बाद जो है हम पूरे के पूरे नेल को ब्लो बफर की हेल्प से ब्लो बफ करेंगे। सो गाइज, एमरी बोर्ड से बफिंग कंप्लीट होने के बाद जैसे कि मैंने कहा हमें ब्लो बफर यूज़ करना है, तो आपको कुछ इस तरीके से ब्लो बफर को अच्छे से यूज़ करना है ताकि पूरा के पूरा जो नेल है बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए और हमारे एमरी बोर्ड के जितने भी स्क्रैचेस हैं वो बिल्कुल के बिल्कुल हट जाएँ। और इसे नीट करने के बाद जो है डायरेक्टली एक सिंपल सा ही लॉजिक है, अगर हमने नेल एक्सटेंशन करना है तो ये हमारा नेल एक्सटेंशन रेडी हो गया है और अभी से बारी है हमें सील करने की। तो इसे सील करने के लिए जो है हम पूरे के पूरे नेल के ऊपर यूवी टोप कोट अप्लाई करेंगे ताकि ये प्रॉपरली लॉक हो जाए, और इसे एप्लीकेशन करने के बाद, कैपिंग करने के बाद इसे भी हम क्योर करवा देंगे। क्योर करवाने के बाद गाइस आइए देखते हैं इसकी फुल एंड फाइनल लुक। सो ये है हमारे नेल्स। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, थैंक यू।